गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास टेंथ की बायो की जो लेक्चर सीरीज है उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। अगर आपको याद हो तो हमने प्लांट्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है वो हम डिस्कस कर चुके थे। बेसिकली वो स्टैंडर्ड नोट्स है जिनसे मैंने आपको कवर कराया था। अगर हम एनसीईआरटी की वजह से स्टार्ट करें इसको, देखिए एनसीईआरटी की वजह से पहले ह्यूमंस के बारे में है, तो अगर आप प्लांट सेक्शन वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी ये है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके अंदर लास्ट में है, एक्चुअल में इस चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो लास्ट में वैसे हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं ना और उनसे नोट्स प्रिपेयर करें ना तो प्लांट सेल का पूरा हम कवर कर चुके हैं। बाकी इसमें एनसीईआरटी में भी है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में हम प्लांट सेल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, यहाँ पर हमारा ह्यूमन से एनिमल्स के बारे में हम तो एनसीईआरटी की वजह से स्टार्ट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बता चुका हूँ आपको कि हमारी बॉडी क्या करती है, हर जितनी भी चीज़ें हमारी डेली लाइफ के अंदर होती हैं उनको देखे क्या करती है, कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन करती है। जैसे कि हमारे हमारे मूवमेंट्स, हमारे हाइट का बढ़ना, ठीक है, हमारी ग्रोथ होना, ये सब क्या है, हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी का जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो गया, प्लांट्स में हो गया, प्लांट्स की ग्रोथ हो गई, प्लांट्स में फ्लावर्स का आना, फ्रूट्स का आना, प्लांट्स का डाइवर्ट होना, पैलोज में आप बोल दीजिए, बर्ड्स में बोल दीजिए, ये सब चीज़ें क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और इसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अगर आप एनवायरनमेंट के बेसिस पे देखें तो कुछ चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के बेसिस पे कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे चेंजेस भी कुछ होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है कंप्लीट। अगर आप देखें, यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। ठीक है, एक कैट होती है जो क्या करती है, माउस को देख के अपने आप क्या करती है, रन करना चाहती है। तो रीजन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वी ऑल्सो थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ एन अटैम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू यूज चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। बताया था आपको कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो एनवायरनमेंट के चेंज होने के बाद हम जो ह्यूमंस है वो अपनी बॉडी को या इस तरह से क्या करते हैं, हमारे बॉडी को या हमारे लाइफ स्टाइल को इस तरह से चेंज करते हैं कि हम एनवायरनमेंट के अंदर क्या करें, सर्वाइव कर सकें। जैसे कि विंटर आता है तो हम क्या करते हैं, वूलन क्लोथ पहन लेते हैं, और जब समर होती है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्लोथ पहनते हैं। ठीक है, तो वो हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे बॉडी को चेंजेस करते हैं। ये सब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ताकि मेंटेन बना सकें हम बॉडी को। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आई होती है आपकी, आई के ऊपर लाइट आती है, लाइट तो बहुत लाइट आती है तो आप देखिए एक बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपने आई को क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि क्या करते हैं कि आपके लाइट के ऊपर फोकस ना पड़े। और दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर आपको दूर की चीज़ देखनी होती है तब भी आप क्या करते हैं, आप अपने आई को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि दूर की चीज़ें देख सकें। तो ये सब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ताकि क्या कर सके, आपके बॉडी के पार्ट सर्वाइव कर सके। आप किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो आप इमीडिएटली हाथ हटा लेते हैं, रीजन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में होता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंट्रोडक्शन दिया हुआ आपको, पूरा जो चीज़ें एग्जाम्पल्स मैंने बताया वो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं ऊपर। ठीक है, मैंने बताया आपको एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, चेंज होती है। ठीक है, अगर जैसे कि आप देखें तो आप और देख सकते हैं क्या, व्हेन वी वांट टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स इन अवर क्लास वी विस्पर रैदर देन द शाउटिंग लाउडली। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, लाउडली बात करने के लिए। ठीक है, क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट एंड द टारगेटिंग इट। तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस पर डिपेंड करता है, जो भी सिचुएशन है और जो भी टारगेटिंग है उस टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूरा एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने पहले बना दिया था, उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन तो आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो प्लान सेक्शन को आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपके CBSE की जो NCERT बुक में है वो भी अपने हम देख लेंगे अब। ठीक है, वो तो वहाँ के प्लान सेक्शन और इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं उन वीडियोज़ में। ठीक है, अब आप देखिए तो एनिमल्स नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज सब नाइन्थ में पढ़ चुके हैं आप। नाइन्थ में एक चैप्टर था आपके टिश्यू, उसके अंदर आपने सारे टिश्यूज पढ़े थे। नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के क्या होते हैं, एक तरीके से पोस्टमैन होते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर, आपके हर पार्ट के अंदर नर्वस टिश्यूज है जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के हर पार्ट से इन्फॉर्मेशन को उठा के आपके ब्रेन तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, ब्रेन तक। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन नाइन्थ क्लास। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, मैंने बताया आपको। तो टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ठीक है, एक हॉट ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करते हैं तो वो डेंजरस सिचुएशन होती है, वी नीड टू डिटेक्ट इट। हमें इसको डिटेक्ट करना है एंड रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, हम इसको डिटेक्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट, वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर एनवायरमेंट इज डायरेक्टेड बाय द स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्वस सेल्स। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेशलाइज बने होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों के लिए। तो वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हमारे माइंड तक लेके जाते हैं। दीज रिसेप्टर्स, क्या बोलते हैं इन्हें, रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे।
तो क्या बोलेंगे इनको, रिसेप्टर्स। तो दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारी कहाँ पर होते हैं, सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, जिससे आप सेंस कर सकते हैं, सच एज द इनर ई, द नॉइस। इनर ई के अंदर सेंस ऑर्गन होगा जो आपके नॉइस को सुनाई देगा, द टंग एंड सो ऑन। इसी तरह से होता है, इनर वॉइस हो गया आपका, नोज हो गया आपका, ठीक है, नोज हो गया, इनर ईयर हो गया, टंग हो गई, ये आपके क्या है, बेसिकली रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप क्या करते हैं, स्मेल आउट कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, साउंड सुन पाते हैं। सो गैस्ट्री रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। इस तरह से क्या होता है, गैस्ट्री रिसेप्टर्स जो आपके टंग में होंगे, टंग में होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको टेस्ट को बताते हैं। वाइल ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स, कल पढ़ा था हमने केमिस्ट्री के अंदर ऑल्फैक्ट्री, ठीक है, गैसेस क्या करते हैं, ऑल्फैक्ट्री जो करते हैं, स्मेल ऑर्डर को चेंज करते हैं, स्मेल ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह से ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे नोज में होते हैं, वो क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दीज इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंडराइट टिप्स, ठीक है, ऑफ अ नर्व सेल। अब ये जितनी भी रिसेप्टर्स होती है, ये कहाँ पर जाती हैं, ये सब रिसेप्टर्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में हो गए। ऑल्फैक्ट्री कहाँ हो गया, नोज के अंदर हो गया। इसी तरह से आपके गैस्ट्री रिसेप्टर कहाँ हो गया, आपके टंग में हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि हर पोर्शन के ऊपर क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि नर्व सेल्स होते हैं। देखिए नर्व सेल का डायग्राम देखते हैं हम, तो ये देखिए, ये होता है आपका नर्व सेल का डायग्राम, ठीक है, ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन आप बोल लीजिए, ठीक है, ये आपका न्यूरॉन नर्व सेल जिसे हम बोलते हैं, ये होता है आपका, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के हर पोर्शन में मिला होता है। ये बहुत आपको बहुत साइज में बड़ा देखा, लेकिन एक्चुअल में बहुत छोटा था, आपको देख नहीं सकते। तो ये पूरा इस तरह से होता है, अटैच होते हैं, जैसे कि अभी आप ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ये यहाँ एंड हुआ। अब यहाँ एंड पे क्या होता है, एक दूसरे नर्व सेल का इस तरह से अटैच होता है, ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पर अटैच होगा वो आगे, जैसे कि ये एक है ना, ये जैसे कि एक ये न्यूरॉन है आपका नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन भी बोलते हैं उसको, नर्व सेल को, तो ये है। तो सिमिलरली यहाँ पर सेकंड होगा ऐसे, फिर ऐसे थर्ड होगा आगे, फिर ऐसे फोर्थ होगा, ऐसे मल्टीपल नर्व सेल्स न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं जो आपके कहाँ तक माइंड तक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। अब जुड़े कैसे होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है, एंडिंग पॉइंट ये होता है। तो नेक्स्ट जो सेल होगा, नेक्स्ट जो नर्व सेल होगा सेकंड वाला, उसका ये जो डेंडराइट वाला पोर्शन है, ये इस पर अटैच होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अटैच होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ अटैच होगा, ये पोर्शन होगा, ये यहाँ अटैच होगा सेकंड वाले का, फर्स्ट से सेकंड वाले पे इस तरह से अटैच होते हैं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर डेंडराइट्स, ये डेंडराइट्स में जो क्या करते हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है। फिर आपके बीच में इसका न्यूक्लियस है आपके, ये पूरी सेल की बॉडी है आगे आपके, ये एक्सॉन है जो क्या करता है, कैरी करता है आपके इन्फॉर्मेशन को, ये नर्व एंडिंग है जो क्या करेगी, यहाँ नर्व एंडिंग से आपके पास दूसरे नर्व सेल यानी दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। और दूसरे नर्व सेल में न्यूरॉन में कौन कौन रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन, सेम डेंडराइट। और फिर डेंडराइट से कहाँ जाएगी, ऑक्सिन में, और ऑक्सिन क्या करेगी, इसे ट्रांसफर करेगी पूरा, कहाँ तक, नेक्स्ट नर्व सेल तक, और नेक्स्ट नर्व सेल में कौन करेगा वापस रिसीव, डेंडराइट, ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, ये देखिए आपको यहाँ कंप्लीट गिवन है। तो देखिए अब ये जंक्शन दिख रहा है नर्व सेल का आपको, ये देखिए ऑक्सॉन आपको ये जो दिखाया था, ये ऊपर ये जो स्ट्रेट लाइन में ऑक्सॉन था, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऑक्सॉन है, इस ऑक्सॉन से देखिए डिफरेंट डिफरेंट अटैच है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इस तरफ ऊपर वाले में जो था, ये देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से नर्व एंडिंग्स की, ये अटैच आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये ठीक है, इस तरह से अटैच होते हैं। अब ये नर्व एंडिंग्स देखिए आपको यहाँ पर और इसको दिखाया हुआ, एक नर्व एंडिंग हो सिंपल, ठीक है। तो ये देखिए आपकी पूरी स्किन से माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच होती है पूरी, ठीक है, कैपिलरीज होती है ब्लड कैरिंग, ठीक है, या आपके मसल फाइबर जो आपके मसल्स होते हैं उनको दिखाया हुआ यहाँ पर पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से नर्व सेल्स क्या होते हैं, नर्व टिश्यूज जो होते हैं आपके बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। अब देखिए डेंडराइट, ये जो डेंडराइट था आपका, इस डेंडराइट ने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी। अब इस डेंडराइट से इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, एक्सॉन में जाती है, कहाँ जाती है, एक्सॉन में। अब वो किस तरह से जाती है उसके बारे में बताया, तो सेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक इंपल्स। आपकी बॉडी के अंदर इस एक्सॉन वाले सेक्शन के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब होता है बहुत तेज स्पीड जनरेट करती है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर बिजली दौड़ती है, इस तरह से समझिए। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट करते हैं, दिस इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंडराइट टू द सेल बॉडी। और ये जो इंपल्स होती है क्या है, ट्रैवल करती है कहाँ से, डेंडराइट से सेल बॉडी की तरफ, एंड देन अलोंग टू द एक्सॉन टू इट्स एंड। और फिर उसके बाद कहाँ आया, डेंडराइट से सेल बॉडी के अंदर आएगी पहले यहाँ पर, और फिर सेल बॉडी से एक्सॉन
एग्जाम से एंड पे जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए आपको मैं बताता हूँ एक बार और, ये देखिए डेंडराइट ने रिसीव करी, डेंडराइट से सेल बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन आई, कैसे आई, केमिकल से कन्वर्ट किस में हो गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब यहाँ सेल बॉडी से कहाँ जाएगी, एग्जॉन में, और एग्जॉन से कहाँ जाएगी आपके नर्व के एंड में। ठीक है, नर्व के एंड में इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस तरह से क्या है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। एट द एंड ऑफ द एग्जॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ एंड रिलीज ऑफ सम केमिकल। और आखिरी में क्या होता है, देखिए केमिकल से किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और जैसे ही एग्जॉन के एंड पे पहुंच जाएगी तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल इन्फॉर्मेशन में। तो दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और स्नैप्स एट स्टार्ट एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला है ये क्या है, ये देखिए ये आपका एक नर्व सेल है, यहाँ डेंडराइट है, मैं जस्ट एग्जांपल ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये नर्व सेल का एंड हो गया। अब यहाँ पर दूसरा डेंडराइट अटैच है और ये एक नर्व सेल है, यहाँ एक दूसरा डेंडराइट अटैच है, एक नर्व सेल है, यहाँ दूसरा डेंडराइट अटैच है, एक नर्व सेल है, यहाँ दूसरा डेंडराइट है, एक नर्व सेल है, ये नर्व सेल का एंडिंग, ये नर्व सेल का एंडिंग, ये नर्व सेल का एंडिंग, ये नर्व सेल का एंडिंग। अब यहाँ पर क्या होंगे, एक और डेंडराइट अटैच होगा, इसकी एंडिंग होगी इस तरह से, यहाँ एक और डेंडराइट अटैच होगा, मतलब एक और नर्व सेल का, इसी इस तरह से अटैच होता है। तो देखिए यहाँ से केमिकल इक्वेशन आई, केमिकल रिएक्शन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई वो केमिकल फॉर्म में आएगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो केमिकल फॉर्म में आएगी, केमिकल फॉर्म से डेंडराइट में रिसीव हुई, यहाँ पर डेंडराइट से किस में गई, सेल बॉडी में, डेंडराइट से किस में गई, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से अब जो किस से गई, तो ये केमिकल किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह से चल रही है, मैं आपको थोड़ा इससे कलर चेंज करके दिखाता हूँ, अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसमें तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही चल रही चल रही, नर्व सेल के अंदर एंड में आके क्या वापस किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल में। क्यों कन्वर्ट होती है, क्योंकि नर्व सेल के एंड में वापस क्या अटैच हैं, डेंडराइट, और डेंडराइट किस में कैरी करते हैं, केमिकल में। आपको ये ध्यान रखना है कि डेंडराइट जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे वो किस में करेंगे, केमिकल में। तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई यहाँ पर आपके, और फिर वापस किस में आ जाएगी, केमिकल में। तो यहाँ आपके वापस केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये केमिकल डेंडराइट में, डेंडराइट में, डेंडराइट में, अलग अलग डेंडराइट में इन्फॉर्मेशन बताएगा। अब जैसे ही यहाँ पर डेंडराइट में पहुंची इन्फॉर्मेशन, तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ब्लू मार्क से देखा होगा आपको, देखिए ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह से कैरी करेंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह से जाएंगे अलग अलग इस तरह से। अब जैसे ही इस पर्टिकुलर नर्व सेल के एंडिंग में पहुंचेगी, पर्टिकुलर नर्व सेल के एंडिंग में पहुंचेगी, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल में। तो यहाँ वापस केमिकल में कन्वर्ट, यहाँ वापस केमिकल में कन्वर्ट, यहाँ भी केमिकल में कन्वर्ट, और यहाँ भी केमिकल में कन्वर्ट। जैसे ही यहाँ केमिकल में कन्वर्ट हुई, तो इसके बाद फिर आगे वापस जाएगी किस में जाएगी, इलेक्ट्रिकल में। तो देखिए अब यहाँ डेंडराइट ने जो रिसीव किया है, ठीक है, किस में कराया, केमिकल में। अब केमिकल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल में वापस, और फिर लास्ट में आगे वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस केमिकल में। तो इस तरह से ये पूरी एक चेन होती है, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी चेन होती है। तो इस तरह से ये पूरी चेन होती है जो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है आपकी बॉडी के माइंड तक, कहाँ तक, आपके बॉडी के माइंड तक। तो होप ये क्लियर हुआ हो कि किस तरह से प्रोसेस चलता है ये डेंडराइट का, नर्व सेल्स का, ठीक है। तो ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब एट द एंड ऑफ द एग्जॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ एंड रिलीज सम ऑफ द केमिकल्स। मैंने आपको बताया लास्ट में क्या रिलीज करेंगे, कुछ केमिकल, और उन केमिकल्स को नेक्स्ट न्यूरॉन क्या करेगा, कैरी करेगा। अच्छा अब देखिए जो ये यहाँ पर आपके क्या था, डेंडराइट था, और ये यहाँ पर इस तरह से ये था। अब ये दूसरा डेंडराइट अटैच होगा यहाँ पर आगे वाले न्यूरॉन्स के या नर्व सेल्स के। तो ये जो बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं स्नैप। क्या बोलते हैं, SYNAP, स्नैप। यहाँ दिया हुआ, अभी ये देखिए आप, ये रहा, क्या बोलेंगे, स्नैप। इस गैप को क्या बोलते हैं, स्नैप। और इसी गैप के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे वो किस में कन्वर्ट होंगे, केमिकल में। इसी गैप में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट होंगे, केमिकल में। और जो नेक्स्ट डेंडराइट होगा वो इसी स्नैप के बीच में से केमिकल इन्फॉर्मेशन लेगा, और फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके पहले तो डेंडराइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन से जाके फिर न्यूरॉन के लास्ट में जाएगा, फिर वहाँ पर वापस एक और स्नैप आएगा नया। स्नैप मतलब जॉइंट है, स्नैप मतलब क्या है, डेंडराइट का नेक्स्ट डेंडराइट और प्रीवियस नर्व सेल की एंडिंग पॉइंट का जॉइंट है, ठीक है। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंडराइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब बताया आपको नेक्स्ट न्यूरॉन के, देखिए तो एक बार और समझा देता हूँ, देखिए मैं एक बार और, देखिए थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये पर्पल कलर से जो मार्क है डेंडराइट है, ये एग्जॉन है, ये देखिए आप, ठीक है। और मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ भी, एक यहाँ मार्क कर लेता हूँ, इसमें भी मार्क कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं, यहाँ मार्क कर लेते हैं, ओके ठीक है।
ये देखिए आप, अब ये ग्रीन कलर में एग्जॉन है और पर्पल कलर में क्या है, डेंड्राइट है। ये रेड कलर में केमिकल इन्फॉर्मेशन, रेड कलर में केमिकल इक्वेशन आई, ठीक है, कहाँ पर आई, डेंड्राइट में। इस डेंड्राइट में ये फर्स्ट डेंड्राइट में आ गई, अब फर्स्ट डेंड्राइट से किस में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर ये सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी में जाएगी, और सेल बॉडी के बाद कहाँ जाएगी, अभी एग्जॉन में, ये इलेक्ट्रिकल चल रही है आपके। ब्लू कलर में क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो जॉइंट है, येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो जॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्नैप, क्या बोलते हैं, स्नैप, येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर क्या है, स्नैप जो गैप है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस केमिकल में, किस में कन्वर्ट होगी, वापस केमिकल में, यहाँ वापस केमिकल में कन्वर्ट हुई। अब केमिकल में कन्वर्ट होने के बाद वापस कहाँ पर जाएगी, ये इसमें पहुँचेगी किस पे, आपके डेंड्राइट में, तो ये डेंड्राइट में पहुँची, जस्ट अ मिनट, किसने पहुंची, डेंड्राइट में, देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब ये डेंड्राइट में पहुंचने के बाद क्या करेंगी, ठीक है, जो डेंड्राइट्स आपके रिसीव करेंगे, उन डेंड्राइट से पहुंचने के बाद क्या करेगी, वापस किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो देखिए वापस यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होंगे, वापस स्नैप पे आ गई, तो स्नैप पे आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में। तो देखिए ये स्नैप पॉइंट हो गया जॉइंट, यहाँ पर मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, अब किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल से। केमिकल से क्या जाएगा, नेक्स्ट डेंड्राइट, नेक्स्ट डेंड्राइट में जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट डेंड्राइट क्या करेगा, उससे वापस किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में, देख रहे हैं आप, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस कौन सा पॉइंट आएगा, जॉइंट आएगा, स्नैप, वहाँ पर किस में कन्वर्ट होगी, ये केमिकल में। अब वापस केमिकल से नेक्स्ट डेंड्राइट में, ठीक है। अब वो नेक्स्ट डेंड्राइट क्या करेगा, इसको आगे लेके जाएगा और फिर वापस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है, आप देखिए मल्टीपल कलर्स यूज करके मैंने आपको समझा दिया है, होप क्लियर हुआ हो। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर वर्क करता है, ठीक है। स्नैप क्या हो गया, आपके जॉइंट होते हैं पर्टिकुलर, ओके, आगे देखते हैं हम। देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, यह बोला दिया, दिस इज जनरली स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी, ठीक है। तो नर्वस इम्पल्स जो होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं, इस तरह से ट्रैवल करते हैं। सिमिलर स्नैप फाइनली अलाउज द डिलीवरी ऑफ द सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल, इस तरह से न्यूरॉन से आपके बॉडी के अदर सेल तक इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, सच एज मसल सेल आर और ग्लैंड, ठीक है। अब किसके हेल्प से जाएगी, मसल सेल्स की हेल्प से और या फिर ग्लैंड की हेल्प से। ग्लैंड आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास से पढ़ा होगा आपने, ग्लैंड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को इजी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी किस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन चलती है, आगे देखिए। अब आगे चलते हैं हम, इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पता होगा, अब हम देख भी चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है पूरा। नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, किसका होता है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, जो आप ऊपर पढ़ रहे थे ना उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलके, मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्व सेल। अभी जो नर्व सेल, सॉरी नर्व सेल्स आपने पढ़े हैं, इसमें ये डेंड्राइट था, 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 ठीक है। और इनके एंड में क्या था, इनके एंडिंग पॉइंट्स थे, इस तरह से एंडिंग पॉइंट्स थे, एंडिंग पॉइंट्स थे। तो ये मल्टीपल न्यूरॉन्स, ये एक जो यूनिट होगी ना, जो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, इसको बोलेंगे नर्व सेल, सॉरी न्यूरॉन, ठीक है। ये भी एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, ये भी एक न्यूरॉन है, और इन सारे न्यूरॉन को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, नर्वस टिश्यू, क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू। तो आपको समझ में आया होगा क्या नर्वस टिश्यू क्या है, मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन। जो ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है किसका, नर्व सेल्स का या न्यूरॉन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, और ये बेसिकली क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करता है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अच्छा अभी देखिए, आप ये बोलेंगे सर केमिकल में ही क्यों नहीं पहुंचाता, बेसिकली क्या, केमिकल स्पीड बहुत स्लो स्पीड होती है, केमिकल की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो स्पीड होती है। और हमारी बॉडी के अंदर आप देखिए एक बार, आप एक बार हॉट चीज़ को टच कीजिए, आपको माइंड में फटाक से इम्पैक्ट होता है और फटाक से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो सोच के देखिए कितनी तेज स्पीड से आपका इन्फॉर्मेशन गई है, जस्ट टच करते आप हटा लेते हैं तो कितनी स्पीडली, मतलब माइक्रो सेकंड्स में इन्फॉर्मेशन गई है। तो वो केमिकल प्रोसेस नहीं, केमिकल प्रोसेस से नहीं हो सकती, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं जो बहुत स्पीडली मूव करते हैं, ठीक है। लुक एट फिगर 7.8 फिगर, ये ऊपर वाला है, पूरा न्यूरॉन का समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के सारे पार्ट्स बता दिए मैंने। फर्स्ट वेयर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है आपके, सेकंड थ्रो विच द इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड थर्ड विच दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल, ठीक है। तो आपको देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अगर इसमें दिए हुए हैं, बोला है, देखिए फर्स्ट में इसमें मार्क नहीं, देखिए तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट में जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी केमिकल फॉर्म में, सेकंड जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में चलेगी, और थर्ड पॉइंट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में, ठीक है। तो इस तरह से आपके इन्फॉर्मेशन की, ओके,
ठीक है, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, आगे ट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक नर्वस टिश्यू हुआ। आपको नर्वस टिश्यू ध्यान रखना है क्या, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के नर्व सेल से मिलकर बना होता है। आगे देखिए एक्टिविटी दी है आपको, एक्टिविटी 7.1, पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, ब्लॉक योर नोज एंड प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, आप अपने नोज को कम कीजिए कि मतलब आपके थंब और इंडेक्स फिंगर जो होती है उससे आपके नोज को अगर ये एक तरीके से प्रेस कीजिए। नाउ ईट शुगर अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इन इट टेस्ट वाइल ईटिंग लंच, ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस इफ यू कैन फील अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग। तो कहने का मतलब ये, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं ना, उस टाइम पर क्या करें, आप अपने नोज को बंद कर लीजिए और फिर खाइए, आपको टेस्ट में क्या फ़र्क दिखता है, क्या चेंज दिखता है, क्या तो आपको वो चेंज बताना है। लेकिन क्या है इसका रिजल्ट देखते हैं हम, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज ब्लॉक, इफ सो वाई माइट दिस इज हैपनिंग, रीड एंड टॉक अबाउट द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, डू यू क्रॉस अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू आर फॉल। ठीक है, अच्छा देखिए बेसिकली क्या है, टेस्ट तो आप टंग से देख लेंगे, ठीक है, मतलब टंग से आप फील कर लेंगे टेस्ट, बट स्मेल आप फूड की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्मेल आप फूड का नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके नोज आपने क्या कर रखा, क्लोज कर रखा, तो नोज क्लोज होने के कारण क्या होता है, आप उसको नोज को नहीं देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे, नोज को नहीं, नोज से फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जबकि आप क्या करेंगे, टंग से आप उसको स्मेल वो सॉरी टेस्ट तो ले सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक थोड़ा छिप गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाइड हो गया है, आपको ध्यान रखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन। क्या है टॉपिक का नाम, रिफ्लेक्स सेक्शन। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स, तो देखिए सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली वैन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक कॉमनली यूज वर्ड है, जब आपको सडन एक्शन होता है जब आप रिफ्लेक्स को यूज करते हैं। ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, आप किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्स करेंगे एनवायरमेंट के अंदर, तो आप रिफ्लेक्स को यूज करते हैं, रिफ्लेक्स वर्ड को। वी से आई जम्प आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द प्लेन रिफ्लेक्सिलिटी। ठीक है, और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग रिफ्लेक्सली, वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन। ठीक है, तो इन सब से आप क्या समझते हैं, अ कॉमन आइडिया इन सच ऑल सच एग्जाम्पल इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। मतलब कहने का मतलब यह है, रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ, बिना कुछ सोचे अगर आप कोई चीज़ आपकी बॉडी में अपने आप हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स, क्या बोलेंगे उसे रिफ्लेक्स। अगर बिना कुछ सोचे समझे आपने आपके बॉडी के अंदर ही आप कुछ अपने आप कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स, क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स। ठीक है, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ अवर रिएक्शन, यर दीज आर द सिचुएशन वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन अवर एनवायरमेंट, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशन। तो कहने का मतलब यह है, बिना किसी सोच के बिना किसी थिंकिंग के आप जब कोई वर्क करते हैं या कुछ सडन रिस्पॉन्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स जो आप करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के एनवायरमेंट में चेंज होने के कारण आप जब रिफ्लेक्स करते हैं तो इधर रिफ्लेक्स के अंदर आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी किस तरह से हेल्प करता है, आपकी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपकी किस तरह से हेल्प करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर दिस फर्दर। ठीक है, देखिए आप इसको एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, रिफ्लेक्स सेक्शन को हम डिटेल में आगे देखेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।